इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले महावीर एंड महावीर हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स के बारे में। हल्दी कप कप सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों को यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या अंग्रेजी से मॉलिक्यूल से कंपोजिशन डाल के और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से डोज कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी भी मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, और इस सिरप का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, इस सिरप का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो महावीर एंड महावीर हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं महावीर एंड महावीर हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप, जो कि हमारे पास 100 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात करें तो उसकी MRP 80 यानी कि 80 रुपये करीब इसकी MRP है। हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स को महावीर एंड महावीर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है, बहुत ही पुरानी और आयुर्वेदिक कंपनी है। हल्दी कप कप सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल से कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स से हल्दी है, अडुलसा पत्रा है, तुलसी पत्रा है, बैड़ा है, अदरक है, बारंगी है, तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए वो सब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। महावीर एंड महावीर हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, धूम्रपान जन्य एवं एलर्जिक्स कप और बंद नाक में अत्यंत गुणकारी होता है। सरल भाषा में बताएं तो हल्दी कप सिरप्स का इस्तेमाल अगर आपको खांसी वगैरह है या फिर आपको कफ वगैरह बैठ गया या फिर आपको कोल्ड वगैरह है या फिर आपको स्टफी नोज हो गया या फिर सिस्ट कंजेशन हो गया है या फिर आपको शॉर्ट थ्रट है या फिर आपको कफ ब्रोंकाइटिस हो गया है तो उसको रिलीफ करने के लिए हल्दी कप सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी कप सिरप्स के अंदर जो अडुलसा, तुलसी और हल्दी वगैरह रहती है उसका यूज़ के बारे में बात की तो इसके अंदर जो हल्दी रहती है वो एक एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जो कि हेल्प करती है इन्फेक्शन से, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है जो कि रिलीव करती है आपको कफ से। हल्दी एक म्यूकस को ठीक करता है और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में जो इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ठीक करता है, और इसके अंदर जो तुलसी रहता है जो कि रिलीव करता है आपके कफ को, कोल्ड को, और ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज और एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी टिश्यूज यानी कि कफ रिलीव्स और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी में इसका इलाज किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो महावीर एंड महावीर हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स का इस्तेमाल अगर आपको सर्दी या फिर खांसी है या फिर आपके ब्रोंकाइटिस में खांसी वगैरह बैठ गई या फिर आपके गले में कुछ जलन टाइप हो रहा है यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन टाइप हो गया है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है, यानी कि इसको यूज़ करने से आपको खांसी वगैरह या कफ वगैरह हुआ रहेगा तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स का डोज से डोजेस की बात करें तो उसका डोज से डोजेस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और वेट कितना है, उसका डोज से डोजेस आफ्टर मिल जाता है यानी कि सिरप्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। हल्दी कप सिरप्स का इस्तेमाल आप गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल वार्म वाटर के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कप सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताएं। हल्दी कप आयुर्वेदिक कप सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी कप सिरप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।